नमस्ते, मैं प्रतिभा सेठी, आपकी टैरेट कार्ड रीडर एंड काउंसलर, एस्ट्रो पॉइंट पश्चिम विहार न्यू दिल्ली से। आज हम बात करेंगे कोरोना कोविड के बारे में कि अप्रैल और मई में ये कैसा रहेगा। आइए सुमित, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, राम राम, सत श्री अकाल। मैं सुमित सेठी, आप एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड पश्चिम विहार दिल्ली से। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है कोरोना पे है, कोविड पे, सुमित रॉड देना, कोविड पे है कि कोविड कैसा रहेगा। वो पड़ी हुई पीछे बेड पे, कोविड कैसा रहेगा अप्रैल और मई में, जो कि लोग जानना चाह रहे हैं। बहुत तेजी से कोविड बढ़ रहा है, तो कैसे जनता कितनी इंपैक्ट होगी और डॉक्टर्स पे भी प्रेशर आएगा बहुत, जैसा आपने अपनी पहली भी वीडियो में बताया था। तो ये आज तक के प्लैनेटरी चेंजेस हैं, ये इंडिया के कुंडली नहीं है फ्रेंड्स। मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी, ये आज के प्लैनेटरी चेंजेस हैं। और जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट या मैसेज करके बताते रहिए आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है। एक दोस्तों क्लियर कर दूँ, जो तो इससे पहले हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो, तो मैं अब आज हम जब वीडियो शूट करें, क्या डेट है आज? 19। हाँ, वो तो आज डेट है 19 तारीख, 19 अप्रैल, और कल 20 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण भी है सुबह 12:30 बजे तक का। खैर, तब जब आप वीडियो देखें तब तक गुजर चुका होगा वो। तो दोस्तों ये जो है ये इंडिया का हॉरोस्कोप है, मतलब आज का हॉरोस्कोप है दोस्तों। जो करंट ट्रांजिट है, जो आज का प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, वो ये वाला है। इसका इंडिया के हॉरोस्कोप से कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों। ये जो है ये इंडिया की करंट दशा है, उसको मैंने फैक्टर किया, बिकॉज करंट दशा देखे बिना किसी कंक्लूजन पे आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये दोस्तों जनरल पॉइंट्स हैं, आज के जनरल पॉइंट, मतलब ये वाला पोर्शन दोस्तों आज का हो गया, ये हॉरोस्कोप आज का हो गया दोस्तों। ये इंडिया का हॉरोस्कोप, इंडिया का जो नेटल चार्ट, अगर इसको मैं और क्लैरिटी दे दूँ आपको, जो कि 15 अगस्त 1947 रात को 12 बजे, जब हिंदुस्तान को दोस्तों आज़ादी मिली थी, तब का ये हॉरोस्कोप है, जब इंडिया का हिस्सा था कॉम्बिनेशन। तो बस एक बात बता दूँ मैं आपको, आज अगर हम बात करें 19 तारीख की बात करूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था कि हॉस्पिटल जो है कई सिटीज़ के अंदर इंक्लूडिंग दिल्ली अपनी फुल कैपेसिटी के साथ काम कर रहे हैं, मतलब एडमिशन जो है बढ़ रहे हैं वो। तो अजीब से दोस्तों डॉक्टर कह रहे हैं कि सिम्टम आ रहे हैं, आंखों में रेडिशनेस हो रही है, गले की। और अगर हम अपने आसपास भी देखें दोस्तों, मैं दिल्ली में, तो दिल्ली से ज़्यादा रिलेट कर सकता हूँ, कि हर दूसरे घर में, हर एक घर के अंदर, अब एक सर्वे भी आया दोस्तों, वो मैंने दोपहर को पढ़ा, कि हर दूसरे घर के अंदर लोग बीमार है, किसी को खांसी जुकाम, किसी को फीवर, किसी को कफ। तो कोविड दोस्तों कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करके चल रहा है, बट अच्छी बात क्या, माइल्ड है अभी। अभी वो स्थिति नहीं है जो कोविड वेव 2 में आई थी, जब हमें ऑक्सीजन की भी कमी पड़ गई थी। तो दोस्तों अब अप्रैल का जो 10 दिन पड़े हैं और मई का जो टाइम पड़ा है दोस्तों, अब कोशिश करते हैं हर मंथली देख के चलते हैं। हालांकि इसमें 2-3 वीडियोज़ हैं ऑलरेडी कोविड के ऊपर, तो जैसे हम लोगों ने तब भी प्रेडिक्ट किया था दोस्तों, नवंबर में प्रेडिक्ट किया था इंडिया के हॉरोस्कोप में, एग्जैक्टली वही हुआ दोस्तों। लास्ट वीडियो में जो कहा था वैसा ही चलते चले जा रहा है। और आज दोस्तों हम करते हैं बैलेंस जो बढ़ जाए अप्रैल का और बाकी मई का पूरा महीना, वो क्या रंग दिखाएगा, उसमें कोविड क्या लेकर आएगा, हम उसके बारे में बात करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि कोविड आगे कैसा रहेगा, किस हद तक बढ़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट है सूर्य ग्रहण हमारा जो है 15 मई से स्टार्ट हो चुका है 2023। 15 मई तक चलेगा, 15 मई तक चलेगा, हाँ मुझे भी यही लग रहा था। और सूर्य जो जनता का लॉर्ड है वो इंडिया के हॉरोस्कोप में है। गुरु चंडाल योग इन इंडिया 12th हाउस, गुरु चंडाल योग इंडिया के 12th हाउस में बन रहा है। राहु वायरस इन इंडिया 1st हाउस, राहु जो है वो इंडिया के 1st हाउस में। मैं जरा थोड़ा समझाता हूँ दोस्तों आपके पॉइंट, अगर आप ये पॉइंट समझ लेंगे ना दोस्तों, तो आपको आज की स्थिति समझ में आ जाएगी। ये चार पॉइंट्स के अंदर दोस्तों पूरी कहानी छिपी हुई है दोस्तों, इन चार पॉइंट्स के अंदर और इंडिया की दशा के अंदर पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। और क्यों मैं इतनी पहले मैंने प्रेडिक्शन कर दी थी कोविड वापस आएगा, उसके दोस्तों मैंने क्लिपिंग भी डाली थी अपनी, उस 30 सेकंड 1 मिनट की क्लिपिंग डाली थी अपनी शॉर्ट वीडियोज़ के अंदर, जब हम लोगों ने नवंबर में इंडिया की वीडियो बनाई थी। जिन लोगों ने देखना था दोस्तों देखिए, नवंबर में हम लोग इंडिया के हॉरोस्कोप बनाया था कि 2023 कैसा रहेगा, उसमें इसी पीरियड में कहा था कोविड वापस रिटर्न करेगा। तो देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण है 15 मई 2023 तक, जिसकी शुरुआत दोस्तों होगी 14 अप्रैल को। तो इसके हमारी बहुत सारी वीडियो है सूर्य ग्रहण पे, इंडिविजुअल वीडियो भी है, सूर्य गोचर पे भी है, उसको देखिए। तो सूर्य ग्रहण जो है दोस्तों इंडिया के, वो है 12th हाउस के अंदर। उसे इंडिया का हमें एक चीज और लिख दूं यहाँ पे आपको आसानी होगी, इंडिया का जो हॉरोस्कोप है दोस्तों वो है वृषभ लग्न का, वृषभ लग्न यानी कि नंबर 2। तो दोस्तों अब सूर्य ग्रहण अगर आप देखेंगे आज का दोस्तों, सूर्य ग्रहण नंबर 1 में चल रहा है यानी कि इंडिया के 12th हाउस के अंदर। और इंडिया की अगर हम बात करें दोस्तों, सूर्य जो है वो जनता को डिनोट करता है, चौथा घर जो होता है दोस्तों किसी भी हॉरोस्कोप में, जनता को, फैन फॉलोइंग को, पब्लिक को, सबको, यानी कि आपको, मुझे, हम सबको डिनोट करता है। जनता का दोस्तों ग्रहण में आ जाना चीज़ों को दोस्तों खराब करके चलता है। उसी सूर्य ग्रहण को दोस्तों कहने के शनि का भी इम्पैक्ट है, जैसे बताया कई वीडियोज़ के अंदर, शनि दोस्तों बीमारी को डिनोट करता है, बीमारी बढ़ती है, यानी कि जनता को रहने लगा, जनता के अंदर बीमारी आ गई दोस्तों। तो ये दो चीज़ों को पकड़ के चलना। तो तीसरा गुरु चंडाल योग जो है इंडिया के, वो भी इंडिया के 12th हाउस में। देखिए दो, अगर दो नंबर इंडिया का लग्न है तो 12th हाउस के अंदर दोस्तों गुरु चंडाल योग भी है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें
हिंदुस्तान के चार्ट में गुरु जो है वो सिक्स यानी कि बीमारी का लॉर्ड है, और कहीं ना कहीं दोस्तों बीमारी यहाँ पे बढ़ाने मतलब बीमारी का एट्थ और इलेवेंथ का लॉर्ड जो कि नेगेटिव हाउस है बीमारी को ही डिनोट करते हैं, तो वो भी ग्रहण में आ गया दोस्तों, वो भी गुरु चंडाल योग में आ गया, वो भी सूर्य राहु के साथ आ गया, वो भी शनि के इम्पैक्ट में आ गया, यानी कि जनता की दिक्कत दोस्तों और ज़्यादा बढ़ी। और अगर आप नोटिस करेंगे दोस्तों गुरु जो अगर हम लोग बात करके चलते हैं इंडिया के हॉरोस्कोप का जो डिनोट करता है एट्थ हाउस को और इलेवेंथ हाउस को, यानी कि जनता का फिफ्थ हाउस बना और जनता का एट्थ हाउस यानी कि जनता का एज का हाउस ही बना, तो ये थोड़ी सी नेगेटिविटी को बढ़ा के चलता है कि इसमें जो डेथ थोड़ी सी जो रेशियो होती है दोस्तों वो बढ़ सकती है यहाँ, बिकॉज एट्थ हाउस एज को डिनोट करता है। एट्थ हाउस के लॉर्ड का शनि के साथ आ जाना या ग्रहण में आ जाना या सूर्य की गर्मी में आ जाना, नेगेटिव गर्मी में आ जाना, ये नेगेटिविटी को बढ़ा के चलता है। इसमें हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पर डेथ रेट बढ़े, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ सकती है, और क्योंकि गुरु जो होता है दोस्तों बड़ी एज को डिनोट करता है, तो यहाँ पे जो दोस्तों 60s में जो लोग होंगे या 70s के जो लोग होंगे उनको बहुत सावधानी बरतनी है दोस्तों ओल्ड एज के अंदर, ये थोड़ा सा अटैक उन पर ज़्यादा हो सकते हैं, खासकर वो सभी लोग जो उनको ऑलरेडी बीमारी हैं, क्योंकि शनि जब बीमारी जाएगा तो लंबी बीमारी जाएगा, राहु के इन्वॉल्वमेंट है अचानक से बीमारी बढ़ जाती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर जैसी चीज़ें आती हैं, तो ओल्ड एज के जो लोग हैं या तो घर से बाहर ना निकले अभी अवॉइड कर निकलना, निकले तो पूरी मास्किंग के साथ, वरना ये गुरु चंडाल योग बड़े लोगों के लिए दिक्कत क्रिएट कर सकता है दोस्तों। और जिनको पहले भी कोविड हो चुका है उनको तो अपना बहुत ध्यान, उनको तो बहुत सावधानी बरतते हैं दोस्तों। सबसे ज़रूरी ये वाला पॉइंट है दोस्तों, अगर हम दोस्तों राहु को हम लोग वायरस कहते हैं, ये राहु को दोस्तों वायरस, राहु को हम लोग इन्फेक्शन कहते हैं, अगर हम इंडिया के चार्ट की बात करें, इंडिया के नेटल चार्ट की बात करें, इंडिया के दोस्तों फर्स्ट हाउस के अंदर राहु की इन्वॉल्वमेंट है, राहु की प्लेसमेंट है, बिकॉज इंडिया का जो दोस्तों हॉरोस्कोप है उसमें काल सर्प योग है, तो राहु का सेल्फ हाउस में आना, उसी राहु की वजह से सूर्य ग्रहण का बनना, उसी राहु की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं गुरु चंडाल योग का बनना, सेल्फ के अंदर वायरस डाल के जनता के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, तो यानी कि ये चार पॉइंट्स दोस्तों जो है ये कहानी बता रहे हैं कि ये जब तक चार पॉइंट रहेंगे, सूर्य ग्रहण दोस्तों जब तक रहेगा 15 मई तक, गुरु चंडाल योग दोस्तों वो तो अभी खैर लंबा चलेगा उसका भी इतनी परवाह नहीं, ये वाला पॉइंट दोस्तों ज़्यादा नेगेटिव है, और राहु क्योंकि इंडिया के फर्स्ट हाउस में तो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ज़्यादा हैं, और आज के अगर हम स्थिति की बात करें इंडिया के 12th हाउस में राहु के होने की वजह से खर्चे जो हैं जनता के वो बीमारी पे या वायरस पे बढ़ने वाले हैं। अब हम आते हैं जरा दशा के ऊपर बिल्कुल। चलिए अब हम पहली फर्स्ट दशा लेते हैं मून केतु, जो कि 8 जुलाई तक चलेगी, मतलब इंडिया के मून और केतु की दशा चल रही है जो कि 8 जुलाई तक चलेगी दोस्तों। अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर हम बात करें मून और केतु की, ये हम अगर इंडिया के दोस्तों हॉरोस्कोप देखते हैं ना, तो इंडिया के अपने हॉरोस्कोप के अंदर जो चंद्रमा हो जाए दोस्तों शनि से भी इंपैक्टेड है, केतु से भी इंपैक्टेड है, सूर्य से भी इंपैक्टेड है, मंगल से भी इंपैक्टेड है, यानी कि चंद्रमा दोस्तों जनता को भी डिनोट करता है, दोस्तों दशा भी मून केतु यानी कि चंद्र ग्रहण की दशा हो गई, तो कुल मिला के ये जो टाइम है दोस्तों 8 जुलाई तक का ये नेगेटिव टाइम है। जब मैंने अपनी वीडियो बनाई थी हिंदुस्तान की, जब हम लोगों ने वीडियो बनाई थी और कोविड की बनाई थी, वीडियो में एक बात कही थी 8 जुलाई तक का जो टाइम है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसके बाद शुक्र की दशा आ जाएगी, केतु के बाद शुक्र की दशा आ जाएगी, वो दशा बहुत ज़्यादा बेटर होगी, लेकिन 8 जुलाई तक की अगर हम लोग दशा की बात करें दोस्तों, क्योंकि चंद्र ग्रहण भी है, चंद्रमा जनता को डिनोट करता है, सूर्य ग्रहण चल रहा है अभी, शनि इंपैक्ट आगे बीच में, बुध भी दोस्तों वक्री होने वाला है, और कहने के गुरु चंडाल योग भी है, तो 8 जुलाई तक का जो टाइम है स्पेसिफिकली ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक टाइम है, जिसके अंदर दोस्तों ये जो टाइम है 15 मई तक का टाइम ये तो बहुत ज़्यादा सावधानी वाला टाइम है, बिकॉज यहाँ पे जनता कहने के पूरे तरीके से इंपैक्ट होकर चल रही है। चलिए फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिए जानने के लिए कि कोविड आगे कैसा रहेगा और क्या ये कोविड घातक तो नहीं होगा जैसे हमने सेकंड वेव में इतना झेला, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं। दशा के बाद बात करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स जिंदगी में होना है सफल तो जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सिटी से, मुश्किलों को दूर करना है अपनी लाइफ से तो भी जुड़िए एस्ट्रो पॉइंट सुमित सिटी से, नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप चाहे तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, पर्सनल वीडियो के लिए कि आने वाला टाइम कैसा है और ईयरली रिपोर्ट के लिए। ये तो है कोविड के ऊपर वीडियो, अगर आप कोई और भी वीडियो देखना चाहते हैं किसी सेलिब्रिटी पे या किसी पॉलिटिशियन पे तो हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक उसको बनाने की। चलिए अब हम जो दशा ले रहे हैं ये है मून केतु जुपिटर, मतलब इस दशा को हमने और छोटा कर लिया, बिल्कुल 6 अप्रैल 2023 इसी महीने स्टार्ट हुई है और 5 मई 2023 तक चलेगी, 15 दिन की अभी ये दशा रह गई है, तो ये कैसी रहेगी, इस बीच क्या कोविड बढ़ेगा? और मैं बता दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों, इससे पहले देखिए अगर हम इंडिया के D9 चार्ट की बात करें, D9 दोस्तों होता है नवमांस चार्ट, उसके अंदर भी प्लैनेट की एक होता है दोस्तों D1 और एक होता है D9, D1 के अंदर जो प्लैनेट की प्लेसमेंट होगी दोस्तों उसको और प्रिसाइज करने के लिए, उसको और ज़्यादा पिन पॉइंट करने के लिए हम D9 का सहारा लेते हैं। D9 के अंदर अगर वो प्लैनेट ज़्यादा नेगेटिव होगा तो नेगेटिविटी बढ़ती है, और दोस्तों अनफॉर्चुनेटली इंडिया के D9 चार्ट के अंदर चंद्र ग्रहण यानी कि चंद्रमा राहु के साथ है, यानी कि चंद्र ग्रहण और चंद्रमा की दशा भी चल रही है, सूर्य ग्रहण भी है, चंद्र ग्रहण जो इंडिया की कुंडली के अंदर D9 चार्ट के अंदर उसकी भी दशा चल रही है, तो आप समझ सकते हैं प्रॉब्लम बढ़ रही है यहाँ पे। अब दोस्तों अब हम आते हैं अगली दशा पे, यह है दोस्तों 6 अप्रैल 2023 को शुरू हुई थी, 5 मई 2023 तक चलेगी दोस्तों, इसमें गुरु की इन्वॉल्वमेंट होगी।
तो हालांकि गुरु जो है वो इतना नेगेटिव नहीं होता, लेकिन अब क्योंकि गुरु चंडाल योग बन चुका है दोस्तों, गुरु चंडाल योग का बना था हमारा 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल 2023 को गुरु, सॉरी दोस्तों 22 अप्रैल को गुरु चंडाल योग बना। अब जब गुरु चंडाल योग बना तो माने कि जब आप वीडियो देखेंगे दोस्तों उसी दिन के आसपास दोस्तों गुरु चंडाल योग की फॉर्मेशन हो चुकी होगी, और यहाँ से गुरु की दशा भी है गुरु चंडाल योग की, अगर तो हो सकता है दोस्तों 22 या 23 अप्रैल से चीज़ें थोड़ा ज़्यादा तेज़ी के साथ नेगेटिविटी की तरफ बढ़ सकती हैं। तो यहाँ पे हमें सावधानी का ध्यान बहुत सावधानी रखनी है। और मैंने आपको जैसे पहले बताया दोस्तों गुरु जो होते हैं वो ओल्ड एज को डिनोट करता है, ओल्ड एज माने के 60s में हो गए 70s का जो लोग हो गए उनको अपना दोस्तों बहुत ध्यान में रखा जाना, खासकर सीनियर सिटीजन जो होते हैं दोस्तों उनको अपने यहाँ पे बहुत ध्यान में देखा चलना, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हालांकि अच्छी बात क्या है कि दोस्तों गुरु की बात करें इंडिया के अपने हॉरोस्कोप के अंदर गुरु थोड़ा सा वेल प्लेस है, तो 5 मई तक चीज़ें खराब होंगी थोड़ी सी, लेकिन उतने मैग्नीट्यूड पे नहीं होंगी जितने मैग्नीट्यूड पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी 10 से 15 दिन का टाइम है, चीज़ें खराब होंगी यहाँ पे, लेकिन अभी भी अंडर कंट्रोल रहने वाली हैं। चलिए अब इसके बाद की हम दशा लेते हैं, मून केतु और शनि इस दशा के बाद 5 मई को स्टार्ट होगी और 8 जून तक चलेगी, ऑलमोस्ट ये भी 1 महीने की दशा, तो ये दशा भी क्या नेगेटिव रहेगी? अब दोस्तों ये दशा मुझे प्रॉब्लम दे रही है बहुत ज़्यादा, ये दशा देखिए आप इसको दोस्तों 5 मई दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि 22 अप्रैल को जब गुरु चंडाल योग बनेगा जुपिटर की दशा शुरू हो जाएगी, यहाँ चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा बढ़ेंगी, लेकिन इसके बाद जो दशा आ जाएगी दोस्तों शनि की, ये दशा दोस्तों बहुत नेगेटिव है। इंडिया के चार्ट में अगर हम लोग दोस्तों बात करें चंद्रमा जो कि इंडिया का जो मतलब जिसकी दशा चल रही है वो शनि से इम्पैक्टेड है, शनि दोस्तों सूर्य से भी इम्पैक्टेड है, मंगल से भी इम्पैक्टेड है, तो कहने का मतलब ये दोस्तों ये जो दशा होगी जो कि 8 जून तक चलेगी ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे अब तक क्या था दोस्तों गुरु था ना ये हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ा था, अब हो सकता है दोस्तों भगवान ना करे यहाँ पे आके हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि शनि दोस्तों डिजीज़ को डिनोट करते हैं, शनि जो होता है डॉक्टर से प्रेशर डाल के चलते हैं, सूर्य दोस्तों डॉक्टर होता है, शनि एंटी डॉक्टर होता है, डॉक्टर के खिलाफ यानी कि डॉक्टर्स पे हॉस्पिटल से प्रेशर बढ़ता है, या और शनि दोस्तों क्रॉनिक डिजीज़ को डिनोट करता है, तो यहाँ पे दोस्तों चीज़ें थोड़ी सी खराब हो सकती हैं। और मे भी दोस्तों ऐसा ना हो, चंद्रमा दोस्तों जो होता है लंग्स को डिनोट करता है, ऑक्सीजन को डिनोट करता है, शनि लैक ऑफ ऑक्सीजन को डिनोट करता चलता है, ऐसी कोई स्थिति आने वाली नहीं है। बिकॉज दोस्तों 2021 और आज में एक चीज़ का फर्क है, तब दोस्तों शनि की पोजीशन दूसरी थी, आज शनि का पोजीशन दूसरी है, तब दोस्तों शनि वक्री था बहुत डेडली था जब 2021 में सेकंड वेव आई थी, आज शनि डायरेक्ट है, जून के अंदर दोस्तों वक्री होगा, तो अच्छी बात है दोस्तों वो जब मैग्नीट्यूड होगा 2021 वाला तो नहीं होने वाला, लेकिन हाँ यहाँ पर दोस्तों ये जो विंडो है 5 मई 2023 से लेकर 8 जून 2000 एक महीने की जो विंडो है, 1 महीना 3 दिन की जो विंडो है दोस्तों, ये मेरे को लगता है यहाँ पे दोस्तों केसेस पीक करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगी, यहाँ पे हमारा दोस्तों खेल होता है एज अ दोस्तों सिटीजन, हमारा दोस्तों यहाँ पे रोल बहुत ज़्यादा आ जाता है कि हमें कहीं ना कहीं सावधानी बरतनी पड़ेगी। और दोस्तों हो सकता है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे स्कूल्स के अंदर बहुत SOPs आते हैं, स्कूल्स के अंदर हो सकता है कुछ, मैं ये नहीं कहूँ दोस्तों स्कूल बंद हो जाएंगे या कुछ होगा ऐसा होगा, लेकिन स्कूल में गाइडलाइंस काफ़ी सारी आ जाएंगे, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आ जाएंगे, यहाँ पे टाइम कम हो जाए स्कूल का, स्कूल के टाइमिंग में कुछ फर्क पड़ जाए, कुछ भी ऐसा होगा, तो प्रॉब्ली दोस्तों 5 मई से लेकर 8 जून 2023 तक का जो टाइम है ये मुझे ऑनलाइन क्लासेस मुझे डिस्टर्ब करते हैं, खासकर तब दोस्तों जब यहाँ पे दोस्तों अगर आप नोटिस करेंगे सूर्य ग्रहण भी चल रहा होगा, गुरु चंडाल योग भी होगा, और दोस्तों बुध भी यहाँ पे वक्री होगा अभी तक, तो तीन नेगेटिविटीज, नेगेटिव दशा, नवमास नेगेटिव, तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अप्रैल का बैलेंस जो 10 दिन 12 दिन पड़े और मई का दोस्तों पूरा महीना, अभी हमें बहुत सावधानी बरतनी, अभी रिलीफ मिलने वाला नहीं है, दशा कोई भी ऐसी नहीं है जो भी बता सके, अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी बढ़ेगी यहाँ से। चलिए अब आपने लिखा है मून इंपैक्टेड बाय शनि केतु, वो सब मैंने बता दिया, जुपिटर इन सिक्स हाउस ये भी हो गया, ये भी होगा, तो ये कर दोस्तों जुपिटर सिक्स हाउस में और यहाँ पे जुपिटर की दशा आ गई, तो सिक्स हाउस दोस्तों हॉस्पिटल डिजीज को डिनोट करता है, शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन को डिनोट करता है, तो चीज़ें खराब होंगी, लेकिन गुरु अपने आप में इतना अच्छा प्लैनेट है दोस्तों कि चीज़ों को इतना बिगड़ने नहीं देता, और जैसे ही शनि आ जाएगा दोस्तों गुरु के बाद चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पे खराब होना शुरू हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाती है, हालांकि गुरु चंडाल योग के बाद दोस्तों बढ़ना शुरू हो जाएगा सारा कुछ। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कोविड पे वीडियो होगी जो कि सब लोग जानना चाह रहे थे कि कोविड आगे कैसा रहेगा, उनको प्रिकॉशंस कितनी लेनी चाहिए, तो हमने आपके कहने पे बना दिया, अगर फिर भी किसी के को क्वेश्चन रह गए हो तो कमेंट या मैसेज करके पूछ सकता है या फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ, आम आदमी पार्टी का दोस्तों हाँ कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी की कुंडली बनाने की, और हमें कमेंट या मैसेज करके बताइए नेक्स्ट वीक आप कौन सी कुंडली देखना चाहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय माता दी फ्रेंड्स, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद जय भारत दोस्तों। हाँ प्लीज़ मास्किंग करिए, बिकॉज ये टाइम फिर दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ 5 मई से लेकर 8 जून तक का, यहाँ पे बहुत सावधानी बरतनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग वही दोस्तों जो चीज़ हम 2020 से फॉलो करते दोबारा से टाइम आ गया दोस्तों, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, मतलब पीक आ जाएगा इसका, हाँ पीक आ जाएगा।